ही शानदार। यस, भोजपुरी में पहली बार ऐसा हुआ है और मैं आप तमाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और इस बेहतरीन और खूबसूरत लम्हे को और खूबसूरत बनाया आप लोगों ने। दिली ख्वाहिश होती है कि कुछ अलग करें, कुछ अच्छा करें, और सबसे अच्छी बात तब लगती है जब एप्रिशिएशन मिलता है, जब लोग एप्रिशिएट करते हैं। और मुझे लगता है कि जो फर्स्ट लुक था हमारा, हमारे टीज़र का एंड हमारे पोस्टर का, ट्रस्ट मी, सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। तो मैं आप सभी का, तमाम जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, जितने भी मेहमान आए हैं, मैं आप तमाम का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी सोच है, ये हमेशा रही भी है कि कुछ अलग करें, कुछ अच्छा करें। तो इस मोशन टीज़र को लेकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे, हमारी इंटायर टीम, हमारी इंटायर क्रू। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो समथिंग डिफरेंट होना चाहिए। और अगर सारे लोग ये बोल रहे हैं कि समथिंग डिफरेंट है, भोजपुरी से हटके है, अलग है थोड़ा, तो ये हम सारे लोगों की जो कोशिश है, हम सारे लोगों की जो मेहनत है, वो कहीं ना कहीं रंग लाई। इसमें यस, मेरा किरदार एक ऐसे पुलिस वाले का है जो, मतलब यूँ कह सकते हैं कि अपने फैमिली के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मतलब वक्त रहे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वक्त रहे तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो वक्त के नज़ाकत को भांपते हुए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करते हुए, ही कैन डू एनीथिंग, मतलब कुछ भी करने के लिए रेडी रहता है। अगर ट्रेजर ऐसा है तो फिर टेलर ऐसा है। यस, आगाज़ अगर ज़बरदस्त है तो अंजाम भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनाएंगे। सी, हम लोगों की एक सोच रही है शुरू से, और चूँकि मैं इंस्टीट्यूट से हूँ, मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट से हूँ जो इंडिया के टॉप 4 टॉप 5 में इंस्टीट्यूट आता है, वहाँ से अनुष्का शर्मा भी हैं, वहाँ से वरुण धवन जी भी हैं, तो इंडिया के बेस्ट सेलिब्रिटीज़ वहाँ से हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वहाँ से हूँ मैं, तो एक ज़िम्मेदारी बन जाती है कि थोड़ी सी चीज़ें अलग होनी चाहिए। इधर आप परफॉर्मेंस करते हो, इधर आप मतलब किसी प्रोजेक्ट में हाथ डालते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे लोगों के लिए भी, हम इंटायर ग्रुप जितने भी लोग हैं, तो सारे लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत मेहनत किया है। तो मुझे लगता है कि अगर हम दे रहे हैं जनता को कुछ, अगर दर्शकों को कुछ दे रहे हैं, तो कुछ अच्छा दें, कुछ बेहतरीन दें, ताकि सिनेमा का ग्राफ बढ़ना चाहिए एटलीस्ट। देखिए, किसी भी देखिए क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि धैर्य का जो पोटेंशियल उनके अंदर है, जो चीज़ें हैं उनके अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। और उनकी सोच सिनेमा को लेके बहुत ही ज़बरदस्त है, सिनेमा को लेके उनका जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं एक सटीक, बहुत उनका जो विज़न है वो पूरी तरीके से क्लियर है कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनाना है, और वो इस हिसाब से काम करते हैं। और उनका सपोर्ट बहुत रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट बहुत। दिमाग किसका लगा है टीजर के पीछे लगाना, मैं जानना चाहूँगा क्या किसने अपना दिमाग यूज़ किया। देखिए, इसका क्रेडिट मैं पूरे क्रू को देना चाहूँगा, पूरे जो इंटायर टीम है हमारी, हमने बैठ के डिस्कस किया। और नो डाउट, जाहिर सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इसमें डायरेक्टर का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये ज़रूरी है कि डायरेक्टर का अपना विज़न क्या है, डायरेक्टर क्या सोचता है, क्योंकि इंटायर टीम, हम जितने भी लोग हैं, हम लोगों के लिए हीरो तो डायरेक्टर ही होता है ऑलमोस्ट। तो हीरो के विज़न, डायरेक्टर के विज़न से हम लोग चले, और कहीं ना कहीं उनके विज़न से चले, तो आज इस टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अगर अभी ये आलम है, तो आने वाले टाइम में और भी ज़बरदस्त, जब ये फिल्म बन जाएगी और लोगों के सामने आएगी, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लोग प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन से आप कर चुके हैं, कौन कौन से आने वाले हैं, कौन कौन से पाइपलाइन में हैं। देखिए, ऊपर वाले के करम से, माँ बाप की दुआओं का असर है, आप सभी लोगों का प्यार है, साथ है, कि बहुत सारी फिल्में तो मेरी मार्केट में हैं। वैसे निरहुआ हिंदुस्तानी है, इलाहाबाद से इस्लामाबाद है, अभी आने वाली फिल्म है शहनशाह रवि जी के साथ, फिर उसके बाद है गुंडे विराज जी के साथ, तो बहुत सारी फिल्में हैं। और पाइपलाइन में मेरी एक फिल्म है जो, जिसका इंतज़ार स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा है, उसका नाम है दहशत, क्योंकि उस फिल्म में बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर किया है मैंने, और मुझे लगता है कि अच्छी फिल्में आनी चाहिए, और वो बहुत ही डिफरेंट फिल्म है। तो दर्शकों से मेरा निवेदन है, मेरी गुजारिश है कि जब भी वो फिल्म रिलीज़ हो तो वो ज़रूर जाएं देखने के लिए। आने वाली बहुत सारी फिल्में, अभी तो मैं हिंदी फिल्म कर रहा हूँ, अभी मैंने आर्य बब्बर और एजाज खान के साथ मैंने फिल्म कंप्लीट करी है, तो उस फिल्म का नाम है तुझे सलाम इंडिया, उसमें मेजर आदिल खान का रोल है मेरा, बहुत ही शानदार रोल है।
और जब भी वो फिल्म मार्केट में आएगी तो इंशाल्लाह एक धमाल मचाएगी, क्योंकि वो फिल्म पेट्रियाटिक है, एक राष्ट्र के लिए कर गुजरने का एक वो है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें समाज में अच्छाई हैं, और जब भी ये आए तो समाज में कुछ डिफरेंट हो, कुछ अच्छा हो।